हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संविधान के सभी प्रमुख भाग। इनसे जितने भी रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग आज देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के कौन भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? हमारा जो पंचायती राज है वो किस भाग में है? भाग ए में दिया गया भाग 9, बी में दिया गया भाग 15, सी भाग 18 और डी भाग 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है, यानी जनता के लिए जो मूल अधिकार बनाया गया है वो किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 15, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 3। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के भाग बन निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए संघर्ष का राज क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, सी मूल अधिकार, डी संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघर्ष का राज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? ऑप्शन ए में दिया गया है और भाग 22, बी भाग 16, सी भाग 21, डी भाग 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 21। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित जो हमारा कौन सा भाग है वो संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 12, ऑप्शन बी भाग 9 के 1, ऑप्शन सी भाग 9 और ऑप्शन डी भाग 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 9 का ए। अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विचार संबंधित किस भाग में दिया गया है? यहाँ पे मूल कर्तव्य पूछ रहा, तो ऑप्शन देखिए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 9 के 1, सी भाग 3 और डी भाग 4 के क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 के क। लेकिन अगर यहाँ पे पूछता कि हमारा मूल अधिकार किस संविधान के भाग में है, तो मूल अधिकार पूछता तो भाग 3 होता, लेकिन अगर मूल कर्तव्य है तो भाग 4 के 1 है। क्लियर है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 15 निम्न में से किसका वर्णन है? भाग 15 जो है वो किसका वर्णन करता है? ऑप्शन ए राज, ऑप्शन बी प्रकीर्ण, ऑप्शन सी आपात उपबंध और डी निर्वाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वाचन। अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के भाग 17 निम्न में से किसका वर्णन करता है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी प्रकीर्ण, ऑप्शन सी आपात उपबंध, ऑप्शन डी निर्वाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजभाषा। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के भाग 6 निम्न में से किसका वर्णन करता है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी प्रकीर्ण, ऑप्शन सी राज और ऑप्शन डी संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज। राज है तो भाग 6 है, अगर संघ रहता तो भाग 5। क्लियर, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम संबंधित किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 13, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 14 और ऑप्शन डी भाग 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 13। अगला आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संघ और राज के बीच संबंध संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 13, ऑप्शन बी भाग 11, ऑप्शन सी भाग 14 और डी भाग 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 11। अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट के सही उत्तर का चयन कीजिए।
जैसे क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का भाग नौ, तो भारतीय संविधान का जो भाग नौ है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो आपका सही आंसर है नौ जो है वो पंचायत से संबंधित है। तो इसके सामने हम लोग लिखते चलते हैं जो हमारा पंचायत है वो भाग नौ से संबंधित है। क्लियर। भारतीय संविधान भाग आठ, जो हमारा भाग आठ है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो हमारा भाग जो भाग आठ है यानी कि संघ राज्य क्षेत्र से हमारा संबंधित है भाग आठ, संघ राज क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र से हमारा भाग आठ संबंधित है। भारतीय संविधान भाग चार के एक दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि चार का एक मूल कर्तव्य से संबंधित है, और भारतीय संविधान का भाग नौ का एक नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिका से। नौ बोलेगा तो पंचायत से, लेकिन नौ के ए है तो नगर पालिका से है। मूल कर्तव्य बोलेगा तो चार का एक है, मूल अधिकार बोलेगा तो तीन है। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोग ने डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, तो गुड बाय।